जब आप किसी को एक ग्लास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट, तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोर्ब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोर्ब्स प्योर वाटर सॉल्यूशन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं केशवपुरम के रानी झांसी स्टेडियम में, जहां दिव्यांग बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। किस तरह का ये आयोजन है ये दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट में। सामाजिक संस्था बौद्धिक विकास समाज कल्याण सोसाइटी द्वारा दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन केशवपुरम स्थित रानी झांसी स्टेडियम में किया गया। आपको बता दें, संस्था की अध्यक्ष सारिका राजोरा ने दिव्यांग छात्रों के संग स्पोर्ट्स डे मनाया, जहां एक तरफ दिव्यांग बच्चों ने रेस के अलावा अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया, वहीं इस दौरान वहां उपस्थित कार्यक्रम के आयोजक एवं मेहमानों ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। वहीं इस अवसर पर उनके साथ वजीरपुर वार्ड की निगम पार्षद श्रीमती नीतू आजाद, प्रसिद्ध सिंगर नुपुर गौतम, दिल्ली पुलिस से राम मनोहर मिश्रा, दिव्य दिल्ली के संपादक राजेश चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। दिस इज स्पोर्ट्स डे, सारिका जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए रखा है एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और एज अ चीफ गेस्ट हूँ यहाँ पे मैं, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा बच्चों के लिए बहुत अच्छा सब कुछ किया हुआ है एंड इट्स रियली अ प्राउड फीलिंग फॉर मी कि मैं यहाँ पे सबके बीच में खड़ी हुई। और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत क्यूट बच्चे हैं, और सारिका जी ने जो जितना ये कर रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे दिव्यांग हैं पर इनमें एबिलिटी हम सबसे कहीं ज़्यादा दिव्य है, जो उस जज्बे की कोई कमी नहीं है, और बच्चों को इस तरह रेस करते हुए परफॉर्म करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला कि हमें भी ऐसे ही अपना जोश और जज्बा मजबूत करके रहना चाहिए। ये आयोजन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आयोजन है। मैं ये कहना चाहूँगी कि खेल कूद के बहाने समाज को एक बात कही जा रही है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, ये सिर्फ नाम दिव्यांग कहने की बात नहीं है, इन्हें समझना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी समाज का एक अटूट हिस्सा है, हमारा अपना हिस्सा, इनका कोई अलग हिस्सा नहीं है, और वो डिफरेंटली एबल्ड है और डिसेबल्ड नहीं है।